जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आइए आप सभी को बताते हैं कि द्वारका में आज कहां कहां योग दिवस मनाया गया। सेक्टर 10 द्वारका के डीडीए पार्क, जो कि गोलक धाम मंदिर के पास है, यहां पे बड़े हर्ष और उल्लास से योग दिवस मनाया गया। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर मिस्टर राकेश मेहरा के द्वारा बताया गया कि कैसे लोग सिर्फ 15 मिनट के रोज सुबह योगा करने से अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। ये वीडियो है सेक्टर 11 के डीडीए पार्क का, जो कि द्वारका मस्जिद के पास है। आप देख सकते हैं डीएससी चार्टर्ड अकाउंट्स एसोसिएशन के द्वारा भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज के दिन इस डीडीए पार्क में करीब 200 लोगों ने मिलकर यहाँ योगा किया। आज योग दिवस के ऊपर डीडीए पार्क सेक्टर 12, जो कि कारगिल हाउसिंग सोसाइटी के नजदीक है, वहां पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डीडीए ने एक योगा का कार्यक्रम किया था। यहां पर योग गुरु प्रहलाद सिंह मलिक ने पार्क में आए करीब 400 लोगों को योगा कराया और उसके साथ साथ उनको योग के फायदे भी बताए। मुक्ता सक्सेना, जो कि फाउंडर हैं मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी की, उन्होंने आज सेक्टर 9 के डीडीए पार्क में योग दिवस के ऊपर एक योगा का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका साथ दिया था द्वारका कनेक्ट्स और गो फिटनेस ने। इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें योगा के साथ साथ फिटनेस कितनी जरूरी है उस पर भी चर्चा हुई। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। सेक्टर 6 द्वारका में शिवानंदा योग सेंटर के द्वारा भी आज योग दिवस काफी उल्लास से मनाया गया। यहाँ काफी अधिक संख्या में लोगों ने सुबह सुबह आकर योगा किया। ये वो लोग हैं जो रोज सुबह योग जरूर करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, द्वारका के भी कई मंदिरों में आज योग दिवस मनाया गया। ये वीडियो है द्वारका सेक्टर 19B के श्री राधा कृष्ण मंदिर का, जहां योग गुरु श्री कुलभूषण वाजपेयी आए और लोगों के साथ मिलकर वहां योगा किया। द्वारका सेक्टर 22 के डीडीए पार्क में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को द्वारका हेलो मॉम्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। पार्क में आज एशियन गोल्ड मेडलिस्ट योग गुरु कृष्ण कुमार गर्ग और योग गुरु मनमोहन गुप्ता जी आए थे और वहां सभी उपस्थित लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सुबह सुबह योगा किया। नजफगढ़ में जिला छावला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में भी आज योग दिवस मनाया गया। जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं, काफी संख्या में यहां लोगों ने भाग लिया और आज यहां निगम पार्षद पवन शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्री KS सानू जी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग आचार्य श्री गोविंद सिंह जी आए और वहाँ सभी उपस्थित लोगों को अलग अलग आसन के क्या क्या फायदे होते हैं ये भी बताया।
अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। और ये अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और अपडेट्स के लिए देखते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।